श्री गौशाला सोसाइटी रजिस्टर्ड के चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हुए। सुप्रसिद्ध उद्योगपति, समाजसेवी एवं शिक्षाविद रामनिवास गुप्ता को प्रधान, राधेश्याम गुप्ता को उपप्रधान चुना गया है। रामनिवास गुप्ता ने प्रधान बनने के बाद सभी का धन्यवाद किया और कहा कि वे गौशालाओं में अपनी पूरी टीम के साथ अधिक से अधिक सेवा का प्रयास करेंगे और पानीपत की गौशाला को आदर्श गौशाला बनवाने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू। आज जो चुनाव हुए हैं यहाँ पे, उसमें कार्यकारिणी के कितने मेंबर थे, कितने प्रतिनिधि? 16 मेंबर कार्यकारिणी के थे, 5 एग्जीक्यूटिव के थे और बड़े सद्भावना से प्रेम पूर्वक इलेक्शन हुआ है। भाईचारे को देखते हुए सभी एक दूसरे के से बहुत निकटतम संबंधी है और रामनिवास गुप्ता जी हमारे प्रधान जी, उनकी अध्यक्षता में ये इलेक्शन लड़ा गया और उनके सभी कैंडिडेट विजयी रहे और आज हमारा चुनाव चिन्ह गौ माता और कृष्ण भगवान जी का था। क्या नाम आपका? राजेश गर्ग। पिछली दो उसमें से इनवैलिड हुए, 360 वैलिड थे। रामनिवास जी को 197 और दूसरे नंबर पे जगदीश अग्रवाल जी को 163 वोट जो है इसमें मिले हैं। उप प्रधान पद के लिए श्री राधेश्याम गुप्ता जी निर्वाचित घोषित हुए हैं। 360 वोट जो है इसमें वैलिड थे, 2 इनवैलिड। राधेश्याम गुप्ता जी को 240 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर क्या नाम था जी? गिरधारी लाल जी को 120 मत प्राप्त हुए हैं। के श्री सतीश गोयल जी निर्वाचित घोषित किए जाते हैं। 361 वोट जो है वैलिड थे, 1 इनवैलिड। सतीश जी को 219 वोट मिले हैं और दूसरे नंबर पे थे जय भगवान जी। जय भगवान जी को 142 मत प्राप्त हुए हैं। ट्रेजरर कोषाध्यक्ष के लिए श्री सुरेश तायल जी को निर्वाचित घोषित किया जाता है। 359 वैलिड वोट थे, 3 इनवैलिड। सुरेश जी को 248 वोट मिले हैं। 111 मत प्राप्त हुए हैं। ऑडिटर पद पर श्री मोहनलाल गर्ग जी को निर्वाचित घोषित किया जाता है। 359 वोट से 3 इनवैलिड हुए। मोहनलाल जी को 239 और दूसरे नंबर पर नरेश बंसल जी को 120 मत प्राप्त हुए हैं। 16 एग्जीक्यूटिव मेंबर जो चुने जाने थे, सभी 32 के 32 की मतगणना के बाद जो अधिकतम जो मत प्राप्त हुए हैं, नंबर 1 पर श्री सिया राम गर्ग जी जिन्हें 222 संख्या छोड़ दो, सिया राम गर्ग। नंबर 2 श्री कृष्ण कुमार गर्ग। नंबर 3 श्री विनोद गोयल। नंबर 4 श्री जय भगवान। नंबर 5 श्री राधेश्याम मित्तल। 6 श्री रोहित गर्ग। 7 श्री अमित कुमार। 8 श्री श्यामलाल तायल। 9 श्री प्रवीण गोयल। 10 श्री अमित गर्ग। 11 श्री चिमन लाल। 12 श्री पवन कुमार। 13 श्री राजेश गर्ग। 14 श्री अनिल कुमार। 15 श्री योगेश्वर दास। 16 श्री विपिन अग्रवाल को निर्वाचित घोषित किया जाता है। सभी निर्वाचित पदाधिकारियों व सदस्यों को बहुत बहुत मुबारक और उम्मीद करते हैं कि आप तन मन धन से गौ सेवा करेंगे। मैं सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जैसा मैंने निवेदन किया था, एक ही टीम को, एक ही विचारधारा के सभी साथियों को चुन के भेजा है। 21 की ये जो टीम है, एक मत टीम है और सब मिलजुल के गौ सेवा का भरपूर हमारी प्रयास रहेगा, जितनी अधिक से अधिक गौ सेवा कर सकेंगे और इस संस्था के उत्थान के लिए सब मिलजुल के सब बहुत पहले भी करते रहे और आगे और भी ज़्यादा इसको और तो प्रयास हमारा ये रहेगा कि इसको आदर्श गौशाला बनवाएं आयोग से मिलके और सारी वो फैसिलिटी क्रिएट करें जिसमें जो गौमूत्र है या इसका जो गोबर है इससे प्रोडक्ट बनाएं और इसका सदुपयोग करें और इसकी जो जितनी भी फैसिलिटी हो सकती है गायों की वो मुहैया करवाएं और जो आवारा गाय फिर रही है मैक्सिमम हमारा प्रयास रहेगा कि उनको हम गौशाला में लेंगे और उनकी सेवा करेंगे। प्रधान जी, आपके अंडर में कितनी गौशालाएँ हैं? ये 5 जगह पे गौशालाएँ हैं। 2 जगह GT रोड पे आमने सामने, एक सब्जी मंडी में है
और एक सिठाना गांव में है और एक बिंझोल में दो नहरों के बीच में पांच जगह। अभी भी गौमांस काफ़ी आवारा घूम रहे हैं, उसके लिए क्या कदम उठाए थे? ऐसा हमने पीछे भी पुल के नीचे जो गाय खड़ी हुई तो मैक्सिमम 120 गाय हमने ही ली थी। अभी भी डिप्टी डायरेक्टर साहब ने और डीसी महोदय के आदेश के अनुसार तो काफ़ी गाय हमने ली। अब हमने शेड बनाया था वहाँ से ठाना 10,000 स्क्वेयर फुट का, तो हम लेते रहे हैं लेकिन सारी लेनी तो बहुत मुश्किल है, बट हमारा प्रयास रहेगा कि जितनी ज़्यादा हम अकोमोडेट कर सकें हम और लोगों को जो शहर में हवाएं घूम रही हैं उनको हम गौशाला में ले, हमारा प्रयास रहेगा मैक्सिमम। आने वाले समय में गौशालाओं के लिए क्या नया प्रयास करेंगे, नया क्या रणनीति बनाएंगे? नया तो जो हमारा प्रोग्राम है कि इसको आदर्श गौशाला बनाए जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी भी हो और लैब भी हो जिसमें प्रोडक्ट्स बने इसके गौमूत्र के, और एक नस्ल सुधारने का हमारा प्रयास रहेगा। दो बुल हम पिछले साल लेके आए थे अच्छी नस्ल के, अब हम 4-5 और अच्छी नस्ल के वो लाएंगे, बुल लाएंगे और सारी मछली हमने एक गौशाला में इकट्ठी की है और उनको अच्छी नस्ल का जो होगा तो उसमें दूध की भी बढ़ोतरी रहेगी और जो आवारा फिरती हैं तो वो गोवंश आवारा नहीं फिरेगा फिर। ठीक।